हेलो स्टूडेंट्स, एसएसजीएन प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फाइल को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेड। उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग हम फाइल को कैसे पहचाना जाता है वो हम देख रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं चार तरीके की फाइल मेरे पास रखी है। जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि मेरे पास जो फाइल है वो फाइल तो है, सब लोग इसको फाइल ही बोलेंगे, बट अगर मुझे टेक्निकली साउंड मैं नहीं हूँ तो मुझे ये नहीं पता होगा कि किस फाइल को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो फाइल है इसके जो कट हैं कुछ अलग हैं। यहाँ पर जो आप फाइल देख रहे हैं इसके जो कट हैं कुछ अलग हैं। यहाँ पर जो आप फाइल देख रहे हैं इसके कट अलग हैं और इसके कट अलग हैं। चारों को अगर मैं आपको बहुत पास से दिखाऊं, चारों का मैं अपना आपको क्लोज व्यू दिखाऊं, तो आप देख पाएंगे कि इन फाइल्स के जो कट हैं उनमें बेसिकली क्या अंतर है। देखिए, इस व्यू से आप समझ पाएंगे जब मैंने चारों को साथ में रखा हुआ है कि इसके जो टीथ हैं, ये जो आप टीथ हैं ये देख रहे हैं, इसके जो टीथ हैं, टीथ का मतलब जो इसमें कट लगे हुए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके जो टीथ हैं वो कुछ ना कुछ अलग हैं, तो इन सबको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, इनका नाम क्या है। जैसे ये जो आप फाइल देख रहे हैं ये रफ फाइल है, ये जो फाइल देख रहे हैं ये बास्टर्ड फाइल है, ये स्मूथ फाइल है और ये सुपर स्मूथ फाइल है या डेड स्मूथ फाइल हम बोल सकते हैं। तो ये फाइल इस तरीके से इनके नाम हैं, बट इनको आप अगर पहचानने की बात आए तो कैसे पहचानेंगे इसे हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग जो आप फाइलें देख रहे हैं उसमें हम सीधे देख सकते हैं, यहाँ से इस हिस्से को हम एक इंच कहते हैं। ग्रेड में आप जैसे फाइल स्टार्ट होती है हमारी, इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है कट, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक जितने भी टीथ कटे हुए हैं इसके, इसे हम कहते हैं ग्रेड, है ना। आप इसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 20 से 25 हो सकते हैं, 25 से 30 हो सकते हैं, ये अलग अलग। जैसे आप इसे और बढ़ा दीजिए, जैसे हमने इसको यहाँ से काउंट करें, कहीं से भी काउंट करें, यहाँ से यहाँ एक इंच, जब आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ एक इंच है। यहाँ पर अगर आप इस टीथ गिनेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम एक इंच के अंदर कम से कम 50 से 55 टीथ मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेड की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे ये हो गई आपकी रफ फाइल, इसके बाद होती है हमारी बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में भी हम जो एक इंच देख रहे हैं आप, एक इंच में जितने भी टीथ होंगे उसकी संख्या, अगर इसमें हमें आपको 50 या 55 मिल रहे हैं सेंटर ऑफ में, इसी तरीके से अगर आप इसे स्टार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30 से 35 या 40 के बीच मिलेंगे। अगर हम इसको मिडिल ऑफ में चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको 55 से लेकर 75 तक के टीथ भी मिल सकते हैं एक इंच के अंदर। इसी अकॉर्डिंग अगर हम आप स्मूथ फाइल की बात करें, स्मूथ फाइल के स्टार्टिंग में जो आपके टीथ मिलेंगे ये एक इंच में 80 प्लस मिलेंगे। अगर हम इसे सेंटर ऑफ में चेक करने जाएं तो इसमें 80 से लेकर के 100 के बीच में जो टीथ होते हैं वो एक इंच के अंदर आपको मिलेंगे। एक इंच आप समझ रहे होंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक इंच। हम इसको इस तरीके से रखेंगे और जो भी टीथ है हम उसे काउंट करेंगे, काउंट करने पर जो भी उसकी संख्या आएगी वो उसका ग्रेड कहलाता हैगा। इसी अकॉर्डिंग आपकी होती है डेड स्मूथ फाइल। जैसे हमने स्मूथ फाइल में देखा, अगर वो 80 से 100 के बीच में है तो ये 100 से लेके 180 या 140 के बीच में ही होती है आपकी फाइल। इसमें भी हमको सेम प्रोसेस करना होता है, एक इंच जो आप देख रहे हैं उसको ही हमें, जो फाइल जो टीथ हैं बहुत ही बारीक हैंगे उसे हमें चेक करना होता है या उसे हमें काउंट करना होता है, जितने भी वो टीथ होंगे वही उसका ग्रेड कहलाता हैगा। अब इनकी हम प्रोसेस या फाइलिंग की बात करें, जब हमें मेटल को ज़्यादा मटेरियल को निकालना रहता है, अनवांटेड मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में निकालना होता है, तो वहाँ पर आप रफ फाइल का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमें बहुत ही उससे थोड़ा कम मेटल को रिमूव करना है अनवांटेड मटेरियल, तो आपको ये बास्टर्ड फाइल रहती है उससे आप उसे रिमूव करेंगे। अगर आप मेटल को और भी कम मात्रा में रिमूव करना चाहते हैंगे और जॉब में चमक लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्मूथ फाइल और सुपर स्मूथ फाइल का यूज़ करना होता हैगा। अब मैं आपको बास्टर्ड फाइल का यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए जिस तरह से आप इसे कट कर रहे हैं ये देखते रहिए, देखिए बहुत ही जल्दी से इसने क्या किया, मेटल को यहाँ से फ्लैट कर दिया या उसे रिमूव कर दिया जो मेटेरियल हम चाहते थे। इसके अकॉर्डिंग मैं आप इसको चेंज करके दिखाऊंगा दूसरी तरफ। अब आप देखिएगा बास्टर्ड फाइल का यूज़, अभी आप रफ फाइल का यूज़ देख रहे थे, ये हमारी बास्टर्ड फाइल हैगी, इससे आप वर्क करेंगे।
वर्क हो रहा है, लेकिन इसमें हमें समय लग रहा है क्योंकि इसके जो टीथ हैंगे उसके मुकाबले थोड़ा सा घने हैं और थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें थोड़ा हमें ज्यादा समय लगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल का यूज दिखाता हूँ। तो ये मेटल को बहुत ही कम मात्रा में कट करता हैगा और सबसे ज्यादा इसका यूज होता हैगा जॉब में चमक लाने के लिए। ये देखिए, उसमें हमें समय लग रहा था, इनमें भी लगेगा, लेकिन ये खास तौर पे यूज की जाती है जॉब में चमक को लाने के लिए। मैं आपको एक और फाइल का यूज दिखाने जा रहा हूं। इसको मैं इस तरीके से लगा दे रहा हूं, तो आपको समझ में आए। ये देखिए लास्ट में, ये मेटल को बहुत ही कम मात्रा में कट करते हैं और सबसे ज्यादा जॉब में चमक लाने का यूज कर काम आता है इनका, देख सकते हो।